Sadhguru's, my dear brothers and sisters, and my friends. Just prior to me, Mr. Yasaraj Anand has given the data analysis about the programs and policies. I am a little bit different from that aspect, because my topic is to make a right to work as fundamental right. Before going in depth, I just give you the introduction, this introduction. As to why this needed at the time, I have visualized that the two economic policies, the capitalism and the communism, is dominant, and basically both the economic philosophies have the origin in Europe. The communism is almost dead. तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने का. कम्युनिज्म साम्यवादी की विचारधारा है, वो अगर एक तो पूर्ण पर असफल रहा और लोगों ने नकार दिया. और यह साम्यवादी की विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ आया था, लेकिन आज भी कैपिटलिज्म है और सबको ऐसा लगता है कि कैपिटलिज्म मोड ऑफ इकोनॉमी ही सारी समस्याओं का समाधान है. मैं जो आज बात करने जा रहा हूं या जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हूं, उसका इंट्रोडक्शन संक्षेप में राजेश जी ने दिया, वह प्रवक्त. प्रवृत्ति की जो विचारधारा है, प्रधानमंत्री सरकार ने 1959 में दिया था, और यह विचारधारा है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म इट इज ब्यूर रीजन बिकॉज इट इज बेस्ट फ्रॉम द रैशनलिटी, इट इज बेस्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Not only that, it is based on the balanced economy, planning from below, leadership from the top, and so on. मेरा जो टॉपिक है, और शायद उस टॉपिक की परिचय देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग इससे वाकिफ हैं, वह है बेरोजगारी की समस्या. तो बेरोजगारी की समस्या जब से हम आजाद हुए और आज तक चली आ रही है, कम नहीं होती, बढ़ती जा रही है. और इस बेरोजगारी की समस्या पर कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी गवर्नमेंट ने सीरियसली सोचा ही नहीं. सोचा ये गया कि अगर कोई आदमी बेरोजगारी में पैदा होता है, उसी में जवान होता है, उसी में अपना परिवार को बढ़ाता है, तो उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है. इस समस्या का कोई निदान नहीं है, और लोग भी यही मानकर बैठे हैं कि शायद वो जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. FDI आ जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी आ जाएंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाएंगे, और सारी समस्याओं का समाधान. इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहा हूँ. 1991 में मनमोहन सिंह की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उसमें से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात कही गई, और ऐसा लगा कि शायद विदेश से फंडिंग आएंगे और लिबरलाइज इकोनॉमी होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, सारी समस्याओं का समाधान. अल्टीमेटली एक छोटा सा पिक्चर मैं आपके सामने देना चाहता हूँ. आज हमारी पॉपुलेशन 125 करोड़ है, और उसमें से 65% लोग गांव में रहते हैं, 60 और 65% लोग.
और विगत 3 decades में और वो 3 decades होने जा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी है, रादर आप कह सकते हैं कि बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी की समस्या अपने आप में एक समस्या नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, आपका परचेसिंग पावर और सोसाइटी की इक्विटी, जहां पर हमारे मित्र भी डेफिनेंस दे रहे थे। इसके कारण वाइडस्प्रेड पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन व्हाटसोएवर। और जैसे कि अभी इस साल आनंद ने बताया कि कितने लोग रिच होते जा रहे हैं, उस डेटा पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लोग मिलीनायर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं। राइट टू वर्क एज फंडामेंटल राइट, इस पर एक कंसेप्ट पेपर हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस मुरलीधर ने एक राइटअप उस पर दिया है, उसका एक पार्ट मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि एक जज होते हुए भी उनका क्या ऑब्जर्वेशन है इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जहाँ हम आज रह रहे हैं। As in the area of the right to work, there has been marked regression in the area of the right to shelter, compounded by bringing the PILs, seizures to the courts by other classes of the residents, seeking eviction of the slum dwellers as a part of protection and enforcement of the former's right to clean and healthy environment. There has been discernible shift, that's very important, shift in the approach of the court over the past 2 decades. ये मेरा कहना वो नहीं है, वो जज हैं, उनके पास सैकड़ों केस आते हैं, देखते हैं, उनका खुद का ऑब्जर्वेशन है। There has been a shift in the approach of the court over the past 2 decades to issues concerning the economic and social rights. As the decision in the areas of right to work, right to shelter revealed, judiciary appears to have deferred the executive policy that has possibly denied these rights. Being a judge, he is feeling helpless to help you. मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये जो बात हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की कह रहे हैं, क्या ये बात पहली बार उठ रही है, क्या ये बात यूरोपियन है आइडिया, क्या इस देश के जो नागरिक हैं वो भूखे नंगे बेचारे अशिक्षित थर्ड कैटेगरी से डिजन फोर्थ के वट वर्ड दिन आप दे सकते हैं उसी के लिए हैं, हम आजाद भारत में हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं नहीं। इस कंटेक्स्ट में आपको मैं रेफर करूंगा जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बिफोर गोइंग टू द इन डेप्थ आई जस्ट ब्रीफ यू दैट आई विल डिस्कस I'll keep my discussion only 3-4 points. One is the rights that have been conferred in our constitution regarding the right to employment and the government initiatives. What government has taken initiatives in that direction, the role of the Supreme Court and the efforts made in the parliament regarding achieving that goal. And finally, the broad basis of how to deal with the problem. The constitution में preamble में आप सभी जानते हैं लिखा, we the people of India having the privilege resolved to constitute in India as a sovereign socialist, the word socialist secular democratic republic.
या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंबल है, हमारी जान है, और उसी के तहत सारी चीजें जो आगे की बनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट 1984 में दिया था, दैट इज प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें ऑब्जर्वेशन आया था कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड विद ग्रेट केयर एंड डेलिबरेशन सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स द हाई पर्पस एंड द नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकर, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट टू सस्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। द नेक्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में पाइए रिगार्डिंग द राइट टू वर्क, वन फंडामेंटल राइट रेफरिंग टू द आर्टिकल 21, वो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ए राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ है तो किस तरह की लाइफ का राइट है, लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद रेस्पेक्ट, और लाइफ विद एनिमल कंडीशनिंग, इनह्यूमन कंडीशनिंग। मेरा मानना है, प्रोकल मानना है कि जब तक यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के इंसान को जो रहने वाले लोग हैं, अगर उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको क्लियरली डिफाइन किया गया है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, इसकी तो गारंटी होनी चाहिए। चाहे कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम लाए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, या हर नागरिक का मौलिक अधिकार है इसे प्राप्त करना, अगर वो इन सारी सुविधाओं से वंचित है तो एक स्वस्थ नागरिक नहीं बचता, वो एक स्वस्थ निर्णय नहीं ले सकता, फिर वह क्राइम में, करप्शन में और एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो जरूरत है, आज आजादी के 60 दशक से अधिक हो गए, 70 years मोर देन, इस पहल पर, इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि हम क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, कैसे करें, ताकि हमारा युवा पीढ़ी जो काम करने को तैयार है। आपको कोट करके बताता हूँ, इस डिबेट को मैंने पढ़ा था, उसमें जो देन चेयरमैन थे, प्रेजाइड कर रहे थे लोकसभा को, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, और इससे रिफ्लेक्ट होगा कि हमारे जो इलेक्टेड एमपी हैं वो कितनी सीरियस है इस मामले के बारे में। आई वाज वॉचिंग द टीवी, दैट इज ऑब्जर्वेशन इन द पार्लियामेंट डिबेट्स, आई वाज वॉचिंग द टीवी एंड आई फाउंड ऑल द बेंचेस एम्प्टी and only the ministers and the chairmen were shown on the TV. It is not the fault of the TV channel, people. We are discussing the Constitution Amendment Bill, which requires a specific and not an ordinary quorum. Without any these provisions being followed, we are discussing this Constitution Amendment Bill to the convenience of the private members. This is the position. The entire country is watching it on TV. Earlier, there was no such TV live telecast. The entire nation is watching that House is discussing the Constitution Amendment Bill. It's simply put. On watching TV, he further says, on watching TV, one could see that only few persons are present in House. I am sorry. This is the observation. आप किसी से अंदाजा लगा सकते हैं जिसके भरोसे आप बैठे हैं, जो इनएक्टमेंट करेंगे, जो कानून बनाएंगे आपके लिए, वो कितने सीरियस हैं। एक स्पीकर हेल्पलेस महसूस करते हैं, कोई मेंबर वहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसकी इंटरेस्ट नहीं है आपकी बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने की। कोर्ट भी हेल्पलेस है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। दूसरा एक इंसिडेंट ये राज्यसभा का है, 29 दिसंबर 2017 की घटना। यहां भी विशंबर प्रसाद निषाद जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, प्राइवेट बिल लाया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल,
जो पार्टी की बिल नहीं थी, और इसमें उनका जो एजेंडा था एवरी सिटीजन हु हैज अटेंड एज ऑफ 18 इयर्स शुड हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हाउएवर एनी सिटीजन हु हैज नॉट हैविंग एम्प्लॉयमेंट विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। एक बात मैं बताना चाहता हूं, उस प्रोसीडिंग को देखने के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ 11 मेंबर थे इस बिल को चर्चा करने के लिए राज्यसभा की बात। कब की बात है ये? 29 दिसंबर 2017। आप देख सकते हैं जो आपके नुमाइंदे हैं जिन पर भरोसा किया, जिस पार्टी है जिसका भेजते हैं वहां पर, किसी की भी सरकार हो वो कितने सदियों से काम किया है, सिर्फ 11 मेंबर और 30 से 40 करोड़ लोग अनइम्प्लॉयड। एक चर्चा में भाग लेते हुए सी के चंद्रपन ने कहा कि द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री टू डेज वेरियसली एस्टिमेटेड बिटवीन 250 मिलियन एंड 300 मिलियन, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द एनुअल एडिशन टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज 35 मिलियन टू 40 मिलियन एवरी ईयर। सो दैट इज टू से इफ यू गो एट दिस रेट अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री विल इंक्रीज मोर रैपिडली एज ईयर्स पास बाय। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई डोंट थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज एनी प्लान। तो अब गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं वो अपनी प्राइवेट बिल लेकर आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है जिससे कि आपको मुहैया करा सके। तो आप रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हैं, और आप सोच सकते हैं कि आपकी जो गंभीर समस्या है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, क्या उसका नियर फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट में कोई समाधान दिख रहा है, कोई सीरियस है नहीं। टाइम का लिमिटेशन मेरे भी तो बता रहे हैं, मैं 5 मिनट और लूंगा, कंक्लूड कर दूंगा आपको बता दूंगा। इसका जो सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्या ये परमानेंट है या तो सलाम इसका समाधान है? कहता है इसका समाधान है, 100% इम्प्लॉयमेंट की गारंटी की बात है, प्रोत की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका कहना है कि जॉब विल सर्च यू इवन नॉट सर्च द जॉब। आपको कहने सुनने में बड़ा हास्यास्पद लग रहा होगा कि किस दुनिया की बात कह रहे, लेकिन पॉसिबल है। ह्यूमन माइंड है, वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द टेक्नोलॉजी, अगर हमारा विचार सही हो, नीयत सही हो, करने की जज्बात हो, हम आजाद देश में हैं, हम कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफ का कहना है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के तहत ये बात लाई जा सकती है जिसमें प्रोडक्शन इज मेड फॉर कंजम्पशन रादर प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट। आज जो हो रहा है वो प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो रहा है, कंज्यूमशन के लिए नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉफ का कहना है कि यह जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द ब्लॉक, नॉट फ्रॉम द टॉप। तीसरा है प्रॉफ का कहना सेटअप सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक जोन्स बेस्ड ऑन द प्योरली सोशियो इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स एंड द ज्योग्राफिकल कंसीडरेशन रादर देन पॉलिटिकल कंसीडरेशंस, इन ईच सोशियो इकोनॉमिक जोन यू विल एबल टू डेवलप द रिसोर्सेज द एम्प्लॉयमेंट लोकली, द लोकल पीपल विल नॉट माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब टू द सिटीज मेकिंग द सिटीज ओवर क्राउडेड। You have to provide all the facilities in the village.
again, Mr. Bull say this is a dream. Okay, this is a dream, but dream has one person, two person, a group of people has to see the dream. How many that we realize? Our political leaders, the freedom fighters, have visualized the dream that one day we get the independence. You got it, you got it, and then you got it. So, we have also visualized a dream. और डेट ड्रीम डेट हम कैसे स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, आगे हमारा विकास करके कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी बगैर स्वास्थ्य की चिकित्सा के बगैर ना रहे, पीस मिल में काम तो हो रहा है, आरोग्य व्यवस्था हो रही है, इंश्योरेंस वाले इनको पैसे जाएंगे, इंश्योरेंस वाले देखेंगे, या जो मनरेगा का कार्यक्रम हो रहा है कहता है नहीं, आप लोगों को सेल्फ-सफिशिएंट बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, जॉब की गारंटी का मतलब प्राउड कभी नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट ऑन एग्रीकल्चर, जॉब बेस्ट ऑन द लोकल रिसोर्सेज, फॉर दैट वी डोंट नीड एफडीआई। हमारे जो जनरेशन कितना पुराना सिविलाइजेशन है, उसमें एफडीआई नहीं था, धीरे धीरे इकोनॉमी सेल्फ-सफिशिएंट थी, आज बहुत खुशी की वकालत है। हम सपनों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। अवधूतानंद जी जो भी आप इनको कहते हैं, बचपन से मैंने इनको देखा, इमरजेंसी लगी उस समय हमें पता चला कि हमारे कई साथी जो जेल में बंद हुए, बहुत सारे आनंद मार्ग भी